चिल्लाने में लगे हुए हैं, और नवी बहुत जोर जोर से रो रहा है, धूप में नहला रहे हैं इसको आते ही। और यहाँ देखो रोए जा रहे, रोए जा रहे हैं। मम्मू से पहले नवू नहाएगा। क्या कर रहे हो ये? मालिश कर रहे हैं काका की, मालिश हो रही है। नहा लिया धो लिया, अब काके की मालिश की जा रही है। अब इसकी मालिश कर रहे हैं। हम तो कभी कभी नहाने से पहले भी कर देते हैं और नहाने के बाद भी कर लेते हैं, जो मसाज ऑयल होता है ना बेबी का, इससे। और मैं अभी नहा ही नहीं हूँ, अभी नहाऊंगी। इतना रो रहा है मेरा बच्चा। ओ आ, बस 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 बस, वहां दीपांशु आया है अभी स्कूल से, कपड़े पहना रहे। और वहां नवू की बड़ी मम्मी ने इसके लिए कपड़े लिए हैं, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये तो इसकी पैंट्री है, पैंटी, ठीक है। और ये इसका सेट है, थोड़ा बड़ा है, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तभी आएगा। ये सुंदर लग रहा है बहुत ज़्यादा वीडियो में भी। ये कलर बहुत अच्छे लगते हैं, पीच पीच लाइट लाइट कलर बच्चों पे। तो ये पूरा सेट है लोगों का। और वहाँ रोई रोई हो रही है क्योंकि कपड़े पहनाए जा रहे हैं उसको, उसको खुला रहना पसंद है बिल्कुल, बस उसके फेस पे कोई ना कुछ रखे और ना पैरों में डाले। आज मैं डालने वाली हूँ ये वाला सूट, ये तो सलवार है, ये कुर्ता है। तो बेबी को फिट कराने में ना बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो हैवी सूट्स होते हैं ना उसमें नहीं करा पाते, चाहे आप कितना खुला सिलवा लो उसको। तो बिना इनर का मैंने ये सूट सिलवाया था अभी, तो मैं अभी घर गई हुई थी ना तो उसके बाद ही आया है ये। तो देखते हैं आज इसको पहन के, देखते हैं इसकी फिटिंग वगैरह कैसी है, क्योंकि मैंने अब तक डाला ही नहीं है। ये इसकी सलवार है, तो देखती हूँ, चलो बाद में दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। यहाँ मैंने आज ये सिंपल सोवर सूट डाला है, और नीचे रखी हुई है खीर, ये कल घर से आई थी वो खीर है, टेस्ट करके बताएंगे अभी। यहाँ नवी को खिलाने में लगे हुए हैं। माँ माँ तो बहुत दिनों में आई। माँ सबको राम राम, नमस्ते, पूछते रहो हाल चाल सबको। राम राम, ठीक ठाक ठीक ठाक। खीर कैसी लगी? अच्छी लगी, अच्छी लगी। हाँ लगे हुए हैं। हम सब जा रहे हैं ऊपर नवी को लेके, सबसे पहले ना रसोई में से वो ले लेते हैं। घर से आए थे ना फ्रूट्स, खाए नहीं किसी ने अभी तक। एक संतरा ले लेते हैं अच्छे सा। पता नहीं वीडियो ना क्लियर नहीं बन पा रही है, क्योंकि लाइट की बहुत ज़्यादा कमी है, लगवानी पड़ेगी एक और। हाँ बंद कर दो सब। यहाँ कहाँ जा रहे हैं हम? ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं ना वो तो। चलो ऊपर चलेंगे। तेरी मम्मी कहाँ है क्रिस्टी? सारे जा रहे हैं। अभी धूप सेकने जा रहे हैं, अभी गिर जाती है। धूप बहुत तेज निकली हुई है ना। हाँ चल रही है। वाह, मैं आप लोगों को फ्लावर्स दिखाती हूँ जो आए हुए हैं ना। हवा चल रही है, कपड़े भी बिल्कुल लहरा रहे हैं। चम्मच ले आई ला बेटी, कर दे इसकी कच्ची ला क्रिस्टी, पोटी कर दे। देखो वो सूख रही है सामने, जा ले आ, माँ लेके आई हुई है अभी। धूप तो बिल्कुल सीधा मुंह पे लग रही है। कौन ही करता पोटी करेगा? माँ करेगा, पोटी करेगा। वहाँ पे वो बेल दिख रही है आप लोगों को, कितनी सुंदर लग रही है, कैमरे में भी बहुत अच्छी आ रही है।
सब देख वेलना ये हमारा अड्डा है। तो क्योंकि ना जैसे कुकिंग वीडियोस वगैरह अगर हम शेयर करेंगे ना तो उसमें लाइट की प्रॉब्लम होगी और लाइट की प्रॉब्लम तो अभी भी है पर कोई बात नहीं, आप सब मैनेज कर लेना, जल्दी एक नया बल्ब लगवाते हैं, इधर देखते हैं है ना, कल देखते हैं इसको करते हैं। कितने बल्ब लगाए हम आप लोगों के लिए बोलो, लाइक शेयर तो करते नहीं है, बल्ब ही बल्ब मंगाए जा रहे हैं हमारे तीन बल्ब तो मेरे कमरे में लग चुके हैं चलो अभी चाय बनाएंगे, अभी कितना टाइम हो रहा होगा, 6 बज रहे हैं, अभी चाय भी नहीं देने में कहाँ गई हुई है, 6 नहीं बज रहे सॉरी 5:30 का टाइम हो रखा है और पीछे दीदी बर्तन धो रही है इसलिए आवाज़ आ रही है। तो अभी हम चाय बनाते हैं, दूध निकाला ही अभी फ्रिज से और मलाई निकाली है दूध पे से, अभी चाय बनाते हैं। दीदी चाय डाल रहे हैं साथ में, भाई साहब का फोन भी बज रहा है पीछे सबकी चाय डलती हुई, भाई लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, चाय का रंग थोड़ा तेज ही है पर ये दूध आपको ऐसे ही लग रहा है। आ जाओ सभी भाई भाई बहन चाय पियो, हम तो चाय पी रहे हैं, शाम के टाइम की चाय बनाई हुई है, चलो माँ को देख के आते, छोटी प्लेट निकालते हैं ऊपर से, लेआउट हो रही है सबकी, ये कब बताना भाई हमने ये लेके आए थे, कैसे लगे आप सभी को, धनतेरस पे लाए थे ना ये, हाँ धनतेरस पे आए थे ये, तो अब ये चाय जाएगी माँ के पास सबसे पहले, खाने पीने का कमरे में ही है, ये बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन से, हाय हाय, यहाँ काकू भी बोल रहा है हाँ। उसका भी तो तैयार हो रहा है ना खाना और आपका भी, यहाँ भी भाई सब ड्यूटी से आए हैं और सामान लेके आए हैं, बेबी का मैंने मंगाया था पैम्पर्स वगैरह ख़त्म हो रखे थे तो हम तो पूरा बड़ा पैकेट ही मंगा लेते हैं क्योंकि सर्दी आ रखी है ना तो फिर कितना घूमेंगे है ना, थोड़ा थोड़ा लेने के लिए, और यहाँ है बिस्किट्स हैं और पता नहीं क्या क्या ले आए खोलते हैं